दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इंसेन को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हर बात हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। व्हाट्सएप तो आप सभी यूज ही करते होंगे और व्हाट्सएप की नई अपडेट्स भी आती रहती है नए फीचर्स के साथ। सो आज की वीडियो में मैं 8 ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जो अगर आप व्हाट्सएप में ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप काफी फायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। सो मेरा नाम है जीवन गुप्ता, आप देख रहे टेक्निकल इंसेन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ट्रिक है, आप दूसरे के स्टेटस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना फाइल मैनेजर ओपन कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप के फोल्डर पर क्लिक कीजिए, फिर मीडिया पर क्लिक कीजिए और 3 डॉट वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और शो हिडन फाइल्स कर दीजिए। उसके बाद स्टेटस में जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारे स्टेटस दिख जाएंगे। आप इनको सिंपली कट करके जिस फोल्डर में आप चाहें उसमें पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक है, आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछना नहीं पड़ेगा चाय वाला या रिक्शा वाला से, आप इजीली अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं 15 मिनट से 8 घंटे तक। और हाँ, 8 घंटे से पहले आप स्टॉप कर सकते हैं। सो काफ़ी यूजफुल फीचर है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ट्रिक है, आप 7 मिनट के बाद भी व्हाट्सएप का डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है नई अपडेट आने के बाद व्हाट्सएप का नया फीचर आया था डिलीट फॉर एवरीवन। सो अगर आपको डिलीटेड मैसेज देखने हैं, सीखना है कैसे आप देख सकते हैं, तो मैं कार्ड्स में लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें बताऊँगा कि आप 7 मिनट के बाद भी व्हाट्सएप डिलीट फॉर एवरीवन वाले फीचर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले आप एयरप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए। व्हाट्सएप आप कहाँ ढूंढेंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाइए और व्हाट्सएप को फोर स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद डेट एंड टाइम को चेंज कर दीजिए। टाइम को उस टाइम पे सेट कीजिए जब आपने मैसेज भेजा था। सेट करने के बाद व्हाट्सएप को ओपन कीजिए और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन अब शो हो रहा है। सो डिलीट कर दीजिए और उसके बाद नेट को ऑन कीजिए, यानी एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर दीजिए। अब आप जैसे देख सकते हैं रिसीवर के पास से भी वो मैसेज डिलीट हो चुका है। चौथी ट्रिक है, अवे मैसेज एंड क्विक रिप्लाई, जो कि व्हाट्सएप की नई ऐप व्हाट्सएप बिजनेस में आपको मिलेगा। बिजनेस सेटिंग्स में जाइए और अवे मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज और क्विक रिप्लाईज देख लीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अवे मैसेज आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये ऑटो रिस्पॉन्डर की तरह काम करता है, ऑटो रिप्लाई कर देगा जैसे ही आपको कोई बंदा मैसेज भेजेगा। आप जो मैसेज इसमें सेट करेंगे वो इसे ये ऑटो रिप्लाई कर देगा। दूसरा ग्रीटिंग मैसेज, ये भी काफ़ी यूजफुल फीचर है। तीसरा है क्विक रिप्लाई, आप इसमें मैसेज कोई भी सेट कर सकते हैं और स्लैश का आपको ये शॉर्टकट दे देता है, जैसे ही आप स्लैश टाइप करेंगे वो मैसेज जो आपने सेट किया है वो आ जाएगा। आप शॉर्टकट भी डाल सकते हैं, आपको कौन सा शॉर्टकट लेना है, हैश या फिर स्लैश, ऐसा कुछ भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहां पे जैसे ही स्लैश टाइप करूंगा वैसे ही थैंक्स आ गया। तो ये है क्विक रिप्लाई जो कि काफी यूजफुल है। पांचवा है स्टेटस प्राइवेसी। काफी सिंपल सा है ये ट्रिक लेकिन काफी लोगों को नहीं पता। आप सेट कर सकते हैं आप किसको चाहते हैं कि स्टेटस आपका देखे, कौन ना देखे। प्राइवेसी में जाइए और यहाँ पे स्टेटस पे आप देख सकते हैं। रीड रिसिप्ट को आप अगर ऑफ कर देंगे तो कोई बंदा नहीं देख पाएगा कि आपने उनका स्टेटस देखा या नहीं देखा। छठी ट्रिक है, अपनी फुल वीडियो को आप कैसे स्टेटस पे सेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने लिमिट दे रखी है 30 सेकंड की, जो कि यार काफी अनोइंग है, लेकिन इसका एक बाईपास है। आप इसको जिफ में कन्वर्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अगर आपको जिफ में कन्वर्ट नहीं करना आता तो प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिफ मेकर। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपनी वीडियो को इंपोर्ट कीजिए और जिफ में कन्वर्ट कर दीजिए।
इंपोर्ट होने का इंतजार कीजिए। और उसके बाद बूम, आप शेयर कर सकते हैं। सातवीं ट्रिक है हार्ट वाला इमोजी। अब कई बंदे हैं यार जो लड़कियों को डायरेक्ट लिख देते हैं शो बॉब्स एंड वेगाना, जो कि उनके लिए काफी अनॉइंग होता है। सो यार अगर उन्हें इंप्रेस करना है तो थोड़ा आराम से करो ना, हार्ट वाला इमोजी भेजो तो वो काफी क्यूट लगेगा उनको भी और चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आठवीं ट्रिक है सेटिंग में जाइए डेटा एंड स्टोरेज यूसेज में और उसके बाद स्टोरेज यूसेज में। आप यहाँ पर गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाली जो आप काफी ग्रुप्स में होंगे उनकी इमेजेस जो फालतू में डाउनलोड हो गई है उन्हें डिलीट कर सकते हैं और अपनी स्टोरेज बचा सकते हैं। प्लस अगर आपका व्हाट्सएप हैंग होता है काफी तो आप नेटवर्क यूसेज में जाके स्टैटिस्टिक्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को स्मूथ बना सकते हैं। नवी ट्रिक है आप कैसे मीडिया फाइल्स को बिना डिग्रेड किए हुए उनकी क्वालिटी को भेजें। तो यार अगर आप गैलरी से भेजोगे, सिंपली भेजोगे, तो व्हाट्सएप उसे ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा, तो उसे एज अ डॉक्यूमेंट भेजो, उसके रिजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल ट्रिक है अपने पीसी से कोई छोटी मोटी चीज आप अपने फोन में कैसे भेज सकते हैं बिना यूएसबी केबल को लगाए। सो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं यहाँ पे कार्ड में लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से देख के सीख सकते हैं। सिंपली आप व्हाट्सएप ऐप में जाइए और वहां से अपने कोई भी जो छोटी मोटी फाइल है उसे अपने फोन पे शेयर कर दीजिए, आपको यूएसबी केबल लगाना भी नहीं पड़ेगा। सो आशा करता हूँ आपको ये 8 या 9 ट्रिक्स, शायद ज्यादा हो गई हो लेकिन 8-9 ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।